नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दशमः पाठ अर्थात दसवां पाठ, जिसका नाम है गुणः पूजा स्थानम्। गुण पूजा का स्थान होते हैं अर्थात गुण ही पूजनीय हैं। प्रस्तुत पाठ में हम अपने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम महोदय के विषय में पढ़ेंगे, जो कि अत्यंत गुणवान व्यक्ति थे। अष्टमी कक्षा अर्थात आठवीं कक्षा, संस्कृत से कक्षा, संस्कृत की कक्षा अर्थात आठवीं कक्षा चल रही है और पीरियड है संस्कृत का। सर्वे छात्रः कक्षायां परस्परं चर्चायां मग्नः सन्ति। सर्वे छात्रः, सभी छात्र, कक्षायां कक्षा में, परस्परं आपस में, चर्चायां चर्चा में, मग्नः अर्थात लीन सन्ति हैं। सभी छात्र कक्षा में आपस में चर्चा में लीन है। श्याम पट्टे एका सुक्ति ही लिखिता अस्ति। श्याम पट्टे अर्थात श्याम पट पर, श्याम पट का मीनिंग होता है ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पर एक सुक्ति लिखी है। सुक्ति है गुणः पूजा स्थानम् गुणिषु न च लिंगम न च वयः। गुणिषु अर्थात गुणवानों में, तो गुणवानों में गुण ही पूजा का स्थान होते हैं। न च लिंगम, ना ही लिंग, न च वयः और ना ही आयु, अर्थात गुणवान व्यक्ति के गुणों की ही पूजा की जाती है, उनके लिंग को नहीं देखा जाता कि वो स्त्रीलिंग है या पुलिंग है, और न ही उनकी आयु को देखा जाता है, केवल उनके गुणों की पूजा की जाती है। तदेव मान्यवरः संस्कृतस्य अध्यापकः कक्षां प्रविशति। तदेव, तभी मान्यवरः माननीय, संस्कृतस्य अध्यापकः संस्कृत के अध्यापक, कक्षाम कक्षा में प्रविशति प्रवेश करते हैं। तभी माननीय संस्कृत के अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रः, सभी छात्र, उत्थाय उठकर, अब सभी छात्र उठकर बोल रहे हैं, वयम प्रणमामः मान्यवर, माननीय हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आचार्यः, अब आचार्य बोलते हैं, अध्यापक बोल रहे हैं, सुखिनः भवन्तु, आप सभी सुखी हों। शुभ पंतः, शुभ मार्ग पर चलें। तिष्ठन्तु, आप सब बैठिए। सर्वे उपविशन्ति, सभी बैठते हैं। जिज्ञासया आचार्यम पश्यन्ति, जिज्ञासया अर्थात जानने की इच्छा से, आचार्यम आचार्य को, पश्यन्ति देखते हैं, जानने की इच्छा से आचार्य को देखते हैं। आचार्यः अध्यापक सर्वान् दृष्ट्वा, सभी को देखकर, अब अध्यापक सभी को देखकर बोलते हैं, किम भवन्तः किंचित विशिष्टम कथितुम अथवा ज्ञातुम इच्छन्ति। किम अर्थात क्या, भवन्तः आप सब, किंचित कुछ, विशिष्टम विशेष, कथितुम कहने के लिए अथवा या ज्ञातुम जानने के लिए, इच्छन्ति इच्छा करते हो, क्या आप सब कुछ विशेष कहने के लिए या जानने के लिए इच्छा करते हो। सर्वे, सभी बोलते हैं, मिलित्वा मिलकर, सभी मिलकर बोलते हैं, आम मान्यवर, हाँ माननीय, वयम अस्माकं पूर्व राष्ट्रपति महोदयानाम जीवनस्य विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम अर्थात हम सब, अस्माकं हमारे, पूर्व राष्ट्रपति महोदयानाम, पूर्व राष्ट्रपति महोदय के जीवनस्य जीवन के विषय विषय में ज्ञातुम जानने की इच्छामः, इच्छा करते हैं। हम सब हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय के जीवन के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। कृपया वदन्तु, कृपया बताइए। आचार्यः, अब अध्यापक बोल रहे हैं, अतीव शोभनम, बहुत अच्छा, अवश्यमेव कथिष्यामि, अवश्य ही बताऊंगा। प्रारंभे अहम कथिष्यामि, प्रारंभे अर्थात शुरुआत में, शुरुआत में मैं बताऊंगा। मध्ये मध्ये भवन्तः पृच्छन्तु, मध्ये मध्ये अर्थात बीच बीच में, भवन्तः आप सब, पृच्छन्तु पूछना, बीच बीच में आप सब पूछना। श्यामपट्टम दृष्ट्वा सुक्तिम च पठित्वा, श्यामपट पर देखकर और सुक्ति को पढ़कर, अब अध्यापक श्यामपट को देखकर और सुक्ति को पढ़कर बोल रहे हैं, अति शोभनम, बहुत अच्छा, किम एतदर्थम इव इयम सुक्ति ही अत्र लिखिता। किम अर्थात क्या, एतदर्थम इसलिए, एव ही, इयम सुक्ति ही यह सुक्ति, अत्र लिखिता यहाँ लिखी है, क्या इसलिए ही यह सुक्ति यहाँ लिखी है। सर्वे, सभी बोलते हैं, आम मान्यवर, हाँ माननीय, आचार्य, अब आचार्य अर्थात अध्यापक बोल रहे हैं, प्रसन्नो अस्मि, प्रसन्न हूँ, अधुना श्रृण्वन्तु, अब सुनिए, प्रिय छात्रा, प्रिय छात्रों,
अस्माकं सम्मान्य पूर्व राष्ट्रपति महोदयस्य संपूर्णं नाम डॉक्टर अव्वल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इति आसीत्। अस्माकं अर्थात हमारे सम्मान्य सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय का संपूर्ण नाम पूरा नाम डॉक्टर अव्वल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इति आसीत् था। तो हमारे सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय का पूरा नाम डॉक्टर अव्वल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। अस्य महोदयस्य जन्म 131-1900 वर्षे अक्टूबर मासस्य पंचदशे दिवसे तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरम क्षेत्रे एकस्मिन् सामान्य परिवारे अभवत्। अस्य महोदयस्य इन महोदय का जन्म 1931 तो इस महोदय का जन्म 1931 वर्ष में अक्टूबर मासस्य अक्टूबर महीने की पंचदशे दिवसे 15वीं तारीख को यानी 15वीं तिथि को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम क्षेत्रे रामेश्वर क्षेत्र में एकस्मिन् सामान्य परिवारे अभवत् एक सामान्य परिवार में हुआ था। अस्य महोदयस्य पितुः नाम जैनुलब्दीन मारकेयर आसीत्, मातुः च नाम आशियम्मा आसीत्। इस महोदय के पिता का नाम जैनुलब्दीन मारकेयर था और माता का नाम आशियम्मा था। एक छात्रा बोलती है, मान्यवर माननीय एतेषां महोदयानां शिक्षा कुत्र अभवत्, इन महोदय की शिक्षा कहाँ हुई थी। आचार्य शिक्षक बोलते हैं, प्रिय छात्रा अस्य महोदयस्य आरंभ की शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्रे एव श्वार्ट्ज हाई स्कूल नाम के विद्यालय अभवत्। इस महोदय की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्र के ही श्वार्ट्ज हाई स्कूल नामक विद्यालय में हुई थी। स्नातक स्तरीय शिक्षा तिरुचि क्षेत्रस्य सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के महाविद्यालय अभवत्। स्नातक स्तर की शिक्षा तिरुचि क्षेत्र के सेंट जोसेफ कॉलेज नामक महाविद्यालय में हुई थी। पुनः मद्रास तकनीकी संस्थाने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैमानिकीम विद्याम अधीतवान। पुनः अर्थात फिर मद्रास तकनीकी संस्थान में, जिसे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, फिर मद्रास तकनीकी संस्थान में विमानीय विद्या का अध्ययन किया। अति परिश्रमेण अध्ययनम कृत्वा महोदय रक्षा वैज्ञानिकस्य पदम अलंकृतवान। अति परिश्रमेण यानी बहुत अधिक मेहनत के द्वारा अध्ययनम कृत्वा अध्ययन करके महोदय ने रक्षा वैज्ञानिक के पद को सुशोभित किया। अलंकृतवान मीन्स सुशोभित किया। तो बहुत मेहनत के द्वारा अध्ययन करके महोदय ने रक्षा वैज्ञानिक के पद को अलंकृत अर्थात सुशोभित किया। अनेन महोदयेन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि अभूतपूर्वाणि कार्याणि कर्तव्य निष्ठया कृतानि। इन महोदय के द्वारा रक्षा के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य कर्तव्य निष्ठा से किए गए। नवीनै शोध कार्यै प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय महोदय अस्माकं प्रियं भारतं प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे सम्पन्नं राष्ट्रम अकरोत्। नए शोध कार्यों के द्वारा प्रक्षेपास्त्र का निर्माण करके महोदय ने हमारे प्रिय भारत को प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में संपन्न राष्ट्र किया या बनाया। एतेषां महोदयानां प्रमुखतः पृथ्वी नाग आकाश त्रिशूल अग्नि इत्यादीनां प्रक्षेपायानानां निर्माणे प्रयोगे च प्रमुखा भूमिका आसीत्। इन महोदय की मुख्य रूप से पृथ्वी नाग आकाश त्रिशूल अग्नि इत्यादि प्रक्षेपयान का निर्माण और उनके प्रयोग करने में प्रमुख भूमिका थी। दूसरा छात्र बोलता है, किम एते महोदयः अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक परामर्शदातारः अपि अभवन्, क्या ये महोदय हमारे देश के वैज्ञानिक परामर्शदाता भी थे। आचार्य शिक्षक बोलते हैं, आम हाँ। 98 अधिक
एकोनविंशतिशततमे वर्षे एतेषां महोदयानां नियुक्तिः अस्मिन् पदे अभवत्। अष्टनवति अधिक का अर्थ है 98, एकोनविंशति 19, शततमे 100, वर्षे वर्ष में। तो 1998 वर्ष में एतेषां महोदयानां नियुक्ति, इन महोदय की नियुक्ति अस्मिन् पदे अभवत्, इस पद पर हुई। अन्य छात्रा दूसरी छात्रा बोलती है, अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चं नागरिकं सम्मानं भारत रत्नं अपि एते महोदयः प्राप्तवन्तः। हमारे देश का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इन महोदय को प्राप्त हुआ। आचार्य है, शिक्षक बोलते हैं आम हाँ। सप्तनवति अधिक एकोनविंशति शततमे वर्षे महोदय इदं सम्मानं प्राप्तवान्। सप्तनवति अधिक अर्थात 97, एकोनविंशति 19, शततमे 100, 1997 वर्षे वर्ष में महोदय इदं सम्मानं प्राप्तवान्, महोदय ने यह सम्मान प्राप्त किया। अयम महानुभावः सर्वगुणारूपम् अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रपते पदम् अलंकृतवान्। अयम महानुभावः इस महानुभाव ने सर्वगुणानुरूपम् अपने गुणों के योग्य अस्माकं राष्ट्रस्य हमारे देश के राष्ट्रपते पदम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। इस महानुभाव ने अपने गुणों के अनुरूप हमारे देश के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। अतीव प्रेरणादायकम् आसीत् अस्य महोदयस्य जीवनम्। बहुत अधिक, अतीव अर्थात बहुत अधिक, प्रेरणादायकम् प्रेरणा देने वाला आसीत् था अस्य महोदयस्य, इस महोदय का जीवनम् जीवन। तो इस महोदय का जीवन बहुत अधिक प्रेरणा देने वाला था। सर्वे सभी बोलते हैं आम मान्यवर हाँ माननीय, डॉक्टर कलाम महोदयस्य जीवनस्य संदेशः अस्ति। डॉक्टर कलाम महोदय के जीवन का संदेश है, जीवने कदापि आत्मानं लघुम असहायं च मा चिन्तयन्तु। जीवने जीवन में कदापि अर्थात कभी भी आत्मानं अपने आप को लघुम अर्थात छोटा, असहायम च और असहाय, मा चिन्तयन्तु, मा का अर्थ है मत, चिन्तयन्तु सोचिए। तो जीवन में कभी भी अपने आप को छोटा और असहाय मत सोचिए। संकल्पे दृढ़ विश्वासे आशायां च साफल्यम निहितम अस्ति। संकल्प में, दृढ़ विश्वास में और आशा में साफल्यम अर्थात सफलता निहितम अस्ति, निहित है। संकल्प में, दृढ़ विश्वास में और आशा में सफलता निहित है। आचार्य शिक्षक बोलते हैं सत्यम, सच है। धन्यो अयम भारत रत्नम अंतरिक्ष वैज्ञानिकः कविः दार्शनिकः च डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय। धन्य है यह भारत रत्न अंतरिक्ष वैज्ञानिक कवि और दार्शनिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय। सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर एतदर्थम एव उक्तम, इसलिए ही कहा गया है, गुणः पूजा स्थानम गुणिषु, गुणवानों में गुण ही पूजा का स्थान है। तो बच्चों ये था आपके पाठ 10 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।